27 जुलाई 1979 के दिन भारतीय वायुसेना में इंडक्शन के बाद सेपेकैट जैगुआर्स आज करीब 44 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं। यूके और फ्रांस ने इसे 2010 के पहले ही रिटायर कर दिया था, लेकिन भारत इनमें मॉडिफिकेशन और अपग्रेड करके अभी भी इस्तेमाल करता है और वजह बिल्कुल साफ है। जैगुआर्स खराब से खराब रनवे पर आसानी से लैंड या टेक ऑफ कर सकते हैं। इन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट से छोटे मोटे एयर टू एयर मिशन भी किए जाते हैं। जैगुआर्स का विंग डिजाइन ही ऐसा है कि ये लो एल्टीट्यूड पर अच्छी स्टेबिलिटी के साथ दुश्मन के इलाके में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स कर सकते हैं। लो एल्टीट्यूड के वजह से ये रडार की पकड़ के बाहर रहते हैं। न्यूक्लियर कैपेबल होने के वजह से भारत ने इसे अपने न्यूक्लियर ट्रायड में ग्रेविटी बॉम्ब्स गिराने के लिए शामिल कर रखा है। अब अगर रिसेंट डेवलपमेंट को देखा जाए तो 2024 से इनकी रिटायरमेंट शुरू हो जाएगी और आगे आने वाले 8-9 सालों में जैगुआर्स पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगे।